नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रजा सिंह। उत्तर प्रदेश में महंतों का स्थान ऊंचा है। यहां के महंत जितना धार्मिक महत्व रखते हैं उतना ही सियासी महत्व भी रखते हैं। अब जब सालों से उत्तर प्रदेश में एक योगी सत्ता पर राज कर रहा है तो ऐसे में यहाँ के महंत भी खुद को सियासत से जोड़ते हुए नजर आ जाते हैं। बता दें, अयोध्या के हनुमान गढ़ी के महंत पुजारी राजू दास का नाम तो आपने सुना ही होगा। अक्सर अपने बयानों से सुर्खियों में रहने वाले पुजारी महंत राजू दास एक बार फिर छाए हुए हैं और इस बार भी वजह है सियासत। दरअसल इस बार वो अयोध्या के डीएम नीतीश कुमार के साथ हुई बहस को लेकर चर्चा में हैं। फैजाबाद संसदीय क्षेत्र में भाजपा की चुनावी हार को लेकर शुक्रवार को नीतीश कुमार और महंत राजू दास के बीच बहस हो गई। इसके बाद राजू दास की सुरक्षा शनिवार को वापस ले ली गई, जिसके बाद उन्होंने कहा कि प्रशासन ने ऐसा करके उनकी हत्या करवाने का प्रयास किया है। वहीं उन्होंने अपनी इस बात को सीएम योगी तक भी पहुंचाया है। बताया जा रहा है कि मसला तब से शुरू हुआ है जब से महंत राजू दास ने यूपी के प्रशासन के अधिकारियों को चोर बताया था। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर कब से शुरू हुआ था ये मुद्दा और आखिर क्या है महंत राजू दास की सियासी कुंडली। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए अयोध्या की हार अभी भी सिरदर्द बनी हुई है। अब यूपी सरकार के दो मंत्रियों के सामने हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास और अयोध्या डीएम नीतीश कुमार के बीच नोकझोंक का मामला तूल पकड़ रहा है। दरअसल मामला सामने आने के बाद महंत राजू दास को मिली हुई सुरक्षा भी वापस ले ली गई है। हनुमानगढ़ी मंदिर के मुख्य पुजारी महंत राजू दास अक्सर धार्मिक मामलों और राजनीतिक घटनाओं पर अपने बयानों के कारण चर्चा में बने रहते हैं। अयोध्या में हार से पहले उन्होंने क्या कहा था, पहले आप वो सुनिए। उत्तर प्रदेश में हार का सिर्फ एक कारण, पहला कारण यहाँ का डीएम एसडीएम तहसीलदार कानून को लेखपाल सब चोर हैं, भ्रष्ट हैं। जितना चोर अधिकारी है, डीएम चोर, एसएसपी चोर, तहसीलदार चोर, कानून गो चोर, लेखपाल चोर, योगी जी के नीचे जितने अधिकारी हैं बिना पैसा लिए एक काम नहीं करता है, सब चोर हैं। इसके नाते चुनाव हारी और कोई कारण। अब प्रदेश सरकार के दो मंत्रियों सूर्य प्रताप शाही और जयवीर सिंह की मौजूदगी में सरयू अतिथि गृह में पुजारी और डीएम के बीच हुई तनातनी पर चर्चाओं का दौर थम नहीं रहा है। भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं के साथ प्रशासनिक अधिकारियों और आम लोग इसी बात पर चर्चा कर रहे हैं कि अब आगे इस पर क्या होगा। इस बीच राजू दास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर पूरे मामले पर अपना पक्ष रखाए हैं। उधर डीएम पहले ही स्वीकार कर चुके हैं कि पुजारी के आपराधिक प्रवृत्ति के होने के चलते उन्होंने उनके साथ बैठने से मना कर दिया। अब आलम यह है कि हनुमानगढ़ी के पुजारी राजू दास और डीएम नीतीश कुमार के बीच हुई बहस और सुरक्षा हटाए जाने के प्रकरण में भाजपा मझधार में फंस गई है। पार्टी के बड़े नेता इस मामले में कुछ भी बोलने से बच रहे हैं, जबकि कार्यकर्ता आत्मसम्मान का सवाल उठा रहे हैं। संगठन ने इस मसले पर प्रदेश अध्यक्ष को अपनी रिपोर्ट भेज दी है। इन सब के बीच सोशल मीडिया पर बहस का दौर नहीं थम रहा है। इस प्रकरण के बाद महंत राजू दास ने क्या बोला है वो सुनिए। वंदे मातरम, जय श्री राम, श्री हनुमान जी महाराज की जय। हम लोग सनातन के लिए कार्य करते हैं, हिंदुत्व के लिए कार्य करते हैं और मैं आभार देता हूं जनता जनार्दन का जो तीसरी बार जना आदेश मोदी जी को दिया। योगी जी के नेतृत्व में लगातार पूरे देश में हम लोगों ने घूम घूम के प्रचार किया है। मैं भी 16 राज्य में चुनाव प्रचार किया और अब की बार 400 पार के नारा के साथ पुनः प्रचंड बहुमत के साथ पुनः मोदी जी की सरकार और हमारी सरकार बनी है। इसके नाते कुछ अधिकारियों को अभी भी दिक्कत है, समस्या है। मुझको लगता है कि अभी भी उस मानसिकता के अधिकारी हैं जिनको मोदी जी और योगी जी अच्छे नहीं लगते हैं। दुखद था हमारी सुरक्षा हटाए जाना और प्रशासन ने हमारी सुरक्षा को हटाया है, ये दुखद है, अति निंदनीय है। सिर्फ जनता की बात कर देना और हिंदुत्व की बात करना, बीजेपी के लिए लड़ना, बीजेपी के लिए झगड़ना, मोदी जी के लिए काम करना, योगी जी के लिए काम करना, मुझको लगता है ये कुछ अधिकारियों को अच्छा नहीं लगता है। इसके नाते सुरक्षा व्यवस्था हटाई गई हमारी, हमारे साथ कभी भी अप्रिय घटना हो सकता है। इसके नाते मैं उच्च स्तरीय अधिकारी से निवेदन करता हूं कि सुरक्षा बहाल करें और ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई। बता दें कि डीएम ने साफ कहा है कि उनकी आपराधिक प्रवृत्ति के चलते उनकी सुरक्षा वापस ली गई है। दरअसल महंत दास के खिलाफ
साल 2013 और 2017 में दर्ज पहले दो मामले दर्ज हैं, जिसमें धार्मिक और राजनीतिक मुद्दों पर विरोध प्रदर्शन, धरना और पुतले जलाने का मामला है। वहीं 2023 में दर्ज मामला हनुमानगढ़ी के ही एक साधु की शिकायत पर आधारित था। फिलहाल राजू दास ने सीएम योगी से न्याय मांगा है, इसलिए अब देखने वाला विषय ये होगा कि एक महंत दूसरे महंत की कैसे मदद करता है। अब देखा जाए तो एक बात तो तय है कि महंत राजू दास के मसले पर सीएम योगी खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि एक तरफ उनके अधिकारियों की साख दांव पर है तो दूसरी ओर महंत समाज उससे न्याय की गुहार लगा रहा है। ऐसे में सीएम योगी इस मसले पर क्या फैसला लेते हैं, ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।